हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका गो फॉर प्रेप की इस नई क्लास में। और आज हम हुमायूं के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, हुमायूं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न गवर्नमेंट और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी बना, अर्थात नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं उसका पूरा नाम था। दोस्तों, हुमायूं का जन्म 6 मार्च सन 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था और उसने 18 वर्ष की आयु में ही युद्ध में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध एवं खानवा के युद्ध में वह अपने पिता बाबर के साथ युद्धों में शामिल हुआ था। दोस्तों, पानीपत का युद्ध और खानवा का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था और यह बाबर ने लड़ा था। दोस्तों, बाबर की मृत्यु के बाद 23 वर्ष की आयु में हुमायूं 29 दिसंबर सन 1530 ईस्वी को आगरा में गद्दी पर विराजमान हुआ। परंतु हुमायूं का यह राज सिंहासन अनेक प्रश्न चिन्हों से घिरा हुआ था। हुमायूं के सामने अनेक कठिनाइयां थी, ऐसी कठिनाइयां जिन्होंने उसके शासन और जीवन को आजीवन विपत्ति में डाले रखा। दोस्तों, हुमायूं ने दीन पनाह नाम के एक नए नगर की स्थापना की। हुमायूं ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के क्षेत्रों में साल 1530 से 1540 तक और उसके बाद दोबारा साल 1555 से 1556 ईस्वी तक शासन किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी, तो इसका उत्तर होता है हुमायूं ने। दोस्तों, उसका जो शासन काल था वो 10 साल का 1530 से 1540 तक और 1 साल 1555 से 1556 तक था। 1556 में उसकी मृत्यु भी हो गई थी। चलिए दोस्तों, हुमायूं की लड़ाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो कालिंजर पर आक्रमण हुमायूं ने किया था वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, राज्यारोहण के कुछ महीनों के बाद ही सन 1531 ईस्वी में हुमायूं ने बुंदेलखंड में स्थित कालिंजर के दुर्ग पर आक्रमण किया था। 6 महीने के घेरे के बाद हुमायूं ने वहां के राजा प्रताप रुद्रदेव से संधि कर ली। राजा ने हुमायूं को 12 मन लगभग 500 किलो सोना दिया और शाही सेवा स्वीकार की। इसके बाद दोस्तों, हुमायूं ने महमूद लोदी का दमन भी किया था। दोस्तों, कालिंजर का घेरा उठा लेने के बाद सन 1532 ईस्वी में दोराह नामक स्थान पर महमूद लोदी और हुमायूं की सेना के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं विजयी हुआ और महमूद लोदी बिहार की ओर भाग निकला। तो दोस्तों, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि जो महमूद लोदी का दमन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो ये दोराह नामक स्थान पर हुआ था और कब, 1532 ईस्वी में। दोस्तों, इसके बाद जो महत्वपूर्ण लड़ाई थी वो थी चौसा की लड़ाई। दोस्तों, चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं के नेतृत्व में मुगल सेना और शेरशाह के नेतृत्व में अफगान सेना के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में अफगान सेना के समक्ष मुगल सेना पूरी तरह से पराजित हो गई थी। एक तरह से हुमायूं भारत से निष्कासित भी कर दिया गया था। दोस्तों, ये जो युद्ध था उसमें शेरशाह के नेतृत्व में अफगान सेना विजयी हुई थी। दोस्तों, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण युद्ध जो कि कन्नौज या बिलग्राम के नाम से जाना जाता है, यह 1540 ईस्वी में हुमायूं ने बिलग्राम और कन्नौज की लड़ाई लड़ी थी। इस लड़ाई में मुगल सम्राट हुमायूं का उसके भाई अस्करी और हिंदाल ने साथ दिया था। हालांकि हुमायूं को इस युद्ध में असफलता हाथ लगी और यह एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। दोस्तों, कन्नौज के इस युद्ध के बाद हिंदुस्तान में मुगल राज कमजोर पड़ गया और देश की राजसत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि हुमायूं की मृत्यु कब और कैसे हुई थी। तो दोस्तों, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद हुमायूं ज्यादा दिनों तक सत्ता का सुख नहीं उठा पाया। जनवरी 1556 में जब वह दिल्ली में दीनपनाह भवन में स्थित लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी उसका पैर लड़खड़ा गया और वह वहीं गिर गया और उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अकबर ने मुगल सिंहासन संभाला। उस समय अकबर की उम्र महज 13 साल थी, इसलिए बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया था। इसके बाद अकबर ने मुगल साम्राज्य को मजबूती प्रदान की और भारत के कई हिस्सों पर मुगलों का साम्राज्य स्थापित किया था। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम ISSSC बैंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो जानकारी आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। इसके अलावा गवर्नमेंट एवं कॉम्पिटेटिव एग्जाम संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.goforprep.com विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।